हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबा के ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और साइड के इस बेल आइकन को भी प्रेस करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की सारी वीडियोस जो हैं आपको सबसे पहले मिले और आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत, आप देख रहे हैं धनश्री टेक्निकल। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा ही होगा, ये वीडियो है अगेन से Redmi Note 4 के बारे में। मैं इसको हफ्ते 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत रफ यूज़ कर रहा हूँ। इसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी है, डिस्प्ले वगैरह बहुत अच्छा है, इसका हार्डवेयर बहुत अच्छा है, पर ये वीडियो आज इस बारे में नहीं है कि इसमें क्या अच्छा है। ये वीडियो है कि इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, इसमें कौन सी चीज़ जो है वो आपको फ़ोन लेने से पहले मालूम होनी चाहिए। तो जो ये वीडियो है उसमें इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है इसमें देखने को मिल सकती हैं, छोटी बड़ी सब मिला के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है जो सबसे मेजर प्रॉब्लम मेरे को लगी है कि इसका जो स्पीकर है, कॉल करते वक्त इसमें साउंड बहुत कम है। तो अगर आप कभी ट्रैफिक वाले एरिया में या घर से बाहर हैं या फिर आपके बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो आपको इस तरीके से कवर करके बात करना पड़ेगा, बहुत ध्यान लगा के आपको जोर लगा के सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कॉल की जो है स्पीकर जो है वॉल्यूम बहुत कम है। अगर सामने वाला कुछ बोलता है और अगर आपके सराउंडिंग में बैकग्राउंड में जो है हल्की सी भी नॉइस है तो आपको ये बहुत प्रॉब्लम करेगी, बहुत ध्यान लगा के आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप दिन भर घर से बाहर रहते हैं, आपका फील्ड वर्क है और उस समय आप अपने फ़ोन में कॉल करते हैं, वर्क के लिए बात करते हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर बैकग्राउंड में नॉइस है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम मुझको यही लगा कि जब मैं घर से बाहर था और इसको यूज़ कर रहा था तो ट्रैफिक वगैरह वाले एरिया में, तो मुझको कॉल जो है आवाज़ तो इसकी क्लियरिटी अच्छी है घर पे, पर आप जब बाहर आएंगे तो साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत डाउन हो जाती है इसकी। तो बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ता है। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि डील ब्रेकर हो, क्योंकि बहुत सारे लोग फील्ड वर्क करते हैं, उनका ज़्यादातर काम फ़ोन पे होता है, वो अक्सर घर से बाहर रहते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम जो है आपके फ़ोन में हो। इसमें ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। और जो नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके कैमरे की, इस प्राइस पे वैसे तो कैमरा काफ़ी ठीक ठाक सा है, पर ऑनर 6X का कैमरा इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। हमारे चैनल पे ऑनर 6X का भी अनबॉक्सिंग रिव्यू है, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको। इस उससे अच्छा है मतलब ऑनर 6X का कैमरा मेरे ख्याल से जो है इससे ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्राइस पे इसका कैमरा थोड़ा और अच्छा हो सकता था, जो कि नहीं है। अगर आप इस तरीके से उठा के डायरेक्टली सेल्फी या फिर उठा के डायरेक्टली फ़ोन में फ़ोटो लें तो जो है ब्लरी जो है इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है फ़ोन पे कैमरे पे। आप जो है बहुत ही ध्यान से स्टेबल होके आपको खींचना पड़ेगा, फ़ोटो तब क्लियर आते हैं। इसलिए अगर आप अचानक ही उठा के फ़ोन पे फ़ोटो खींचें तो इसमें बहुत ब्लरी इफेक्ट जो आता है, तो कैमरा उतना अच्छा नहीं है, ऑटो फोकस भी उतना जो है वो सेंसिटिव नहीं है। और अगली एक छोटी सी इसमें एक और कमी है कि इस पर अभी तक जो है इतना पॉपुलर फ़ोन है, अभी तक कंपनी ने नोगट का अपडेट नहीं दिया। हालांकि लॉन्च के वक्त कंपनी ने बताया था कि ये लॉन्च के बाद तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है इस पर नोगट का अपडेट जो है वो रोल आउट कर दिया जाएगा, पर अभी तक ये मार्शमेलो पे ही चल रहा है, नोगट नहीं आया है। तो ये एक माइनस पॉइंट वाली बात है। हालांकि ऐसा कोई बड़ा डील ब्रेकर या कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर कंपनी ने जो कहा था मैं आपको वो बता रहा हूँ। और अगली जो बात है, इसकी बैटरी बैकअप तो बहुत अच्छी है, आप एक बार चार्ज कर ले दिन भर आराम से चलती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि 4100 mAh कितनी बड़ी बैटरी है, और इस पे जो है फास्ट चार्जिंग जो है वो सपोर्ट नहीं करती है ये फ़ोन जो है, तो आपको चार्ज करने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगर ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता तो इस फ़ोन के लिए बहुत बेनिफिट होता, हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता कि इतनी बड़ी बैटरी है, बैटरी बैकअप जो भी है वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर हम इसको बहुत जल्दी से चार्ज कर पाएँ और बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ कर पाएँ, तो अगर इसमें कंपनी फास्ट चार्जिंग दे देती इतनी बड़ी बैटरी में तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तो ये भी एक जो है वो माइनस पॉइंट है इस फ़ोन का। और अगला जो लास्ट है वो इतना कुछ खास नहीं है, पर मैं बता दूं कि इसके जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीकर जो है उसका जो है कॉल के समय जो है वॉइस बहुत कम रहता है, उसी तरीके से इसका जो लाउड स्पीकर है जिसपे MP3 वगैरह या रिंगटोन वगैरह जो भी आपका बजेगा वो बहुत स्लो बजता है। अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा लाउड जो है रिंगटोन नहीं लगाई हुई है, नॉर्मल जो कंपनी की तरफ से रिंगटोन आती है वो लगाई हुई है, तो इसके साउंड बहुत कम है। अगर आपका फ़ोन एक रूम में रखा है तो हो सकता है कि आप कमरे के बाहर से जो है वो रिंगटोन को नहीं सुन पाएँ, या अगर आपके पॉकेट में है और आप कहीं ट्रैफिक पे हैं, बाइक वगैरह चला रहे हैं तो भी जो है
रिंगटोन जो है आपको इसमें नहीं सुनाई देगी, तो इसका जो है स्पीकर कॉल के समय भी स्पीकर जो है इसमें भी वॉल्यूम कम है, और जो नॉर्मल जो स्पीकर है MP3 वगैरह चलते हैं रिंगटोन वगैरह वो भी जो है बहुत कम है इसका साउंड। हालांकि रूम वगैरह में सुनने के लिए डिसेंट साउंड है, पर इतना लाउड नहीं है कि आप बाहर पे इसको सुन सकें। थोड़ा और लाउड होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता हमारे लिए। तो बस यही कुछ बातें हैं इस फ़ोन में जो आपको ख़रीदने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए इस फ़ोन के बारे में। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए रोज़ लेके आता रहूँगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझे लिख के बताइए, मैं तुरंत ही आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।